दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। और बात से मां साहब, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का, जिस दिन भुला तू तेरा प्यार दिल से, आजी बेमल उस्ताद होरी का पर्व आने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि कल रघुवन्नी एकादशी भी निकल के चुकी है भैया, तो होरी की मैं चार लाइन कहूंगा अतरौली वालों के लिए। और गौर देना इधर को, अरे खेलने को होरी आई तू गोरी, अरे खेलने को होरी आई तू गोरी, अरे खेलने को होरी आई तू गोरी है, देख ग्वाल बाल की किलकारी छूट जाएगी, अरे देख ग्वाल बाल की किलकारी छूट जाएगी। और हे ग्वालिन, अरे परे गो जब लाल लाल होएगी तू लाल लाल, शब्द देखना, परे गो जब लाल लाल हाल होएगो बेहाल, लाल लाल होटन ते सकारी छूट जाएगी, लाल लाल होटन छूटे जाएगी, लाल लाल होटल ते सकारी छूटे जाएगी। सुन के बेटा, अरे लाल लाल होटल ते सकारी छूटे जाएगी। और अरे चूंदर होए तार तार, अरे चूंदर होए तार तार, नशा तेरा ते उतार, आज के बाद हितकारी छूट जाएगी, आज के बाद हितकारी छूट जाएगी, आज के बाद हितकारी छूट जाएगी। हितकारी नशा करते करते के ना करती भैया, आज के बाद हितकारी छूट जाएगी, क्योंकि भांग होते वहां में, और होरी पे कछु ज्यादा लोग भांग को इस्तेमाल ज्यादा कछु ज्यादा ही करते हैं, क्योंकि आजकल तो बनी बनाई देसी शराब चल रही है। देख, अरे आज के बाद हितकारी छूट जाएगी, अगर बात समझ में आ जाए तो तालियां। अरे आज के बाद हितकारी छूट जाएगी। और अरे काहे कुटो करई मोए चोरो करई, तोए देखे मेरी पिचकारी छूट जाएगी, तोए देखे मेरी पिचकारी छूट जाएगी। एक रामायण में चौपाई आई, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तो मेरा कहना है और शब्द देखना कविता के, तुम्हारी तरह नहीं, चर और अचरना, मेरी कविता में केवल चर चर पड़े हुए, अगर तुम्हारी कलम में जरूरत हो तो आगे जो मेरे चर पड़े हुए वो नहीं आना चाहिए, अपने ही चर आने चाहिए। सुनिए, चर और अचरना उभय चर गिला है, पता दे ठिकाना
लता जानकी का बता दे ठिकाना, लता जानकी का। भगवान राम माता सीता की खोज में निकले, पेड़ों से पक्षियों से हर से पूछ रहे। हाँ जी व्यास जी, कहना है मेरा एक चर और अचर ना उभे चर किला है, बता दे ठिकाना लता जानकी का। देखिए कितनी बढ़िया बात आ रही है, अगर बात समझ में आ जाए कि कलम चली है तो तालियां जरूर बजा देना। पता दे ठिकाना लता जानकी का, चराचर में घूमे, चराचर जंगल में, चराचर में घूमे तो गगनचर मिला है। गगनचर कौन जटायु, चराचर में घूमे तो गगनचर मिला है, उस नभोचर से पाया है पता जानकी का। चर और अचर ना उभे चर के ना, नवचर से पाया पता जानकी का। सुनिए कविता, मिला एक पंचर वन में अकेला, अरे मिला एक पंचर वन में अकेला। और ये कविता पर खुश होकर के 100 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भैया की तरफ से एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करेंगे। वन में अकेला कौन हनुमान जी, मिला एक वंचर, वंचर रे वंचर, मिला एक वंचर वन में अकेला, लगा देखा तब वहां फल चर का मेला। एक पंचर पल में अकेला, लगा देता वहां फल चर का मेला। अब मेरा पूछना क्या है आपसे, अरे निशाचर से जोड़ा, चर ही चर पड़े हुए, निशाचर से जोड़ा अजब सिलसिला है, और स्थान चल चर पता जानकी का। ऐसा जलचर व्यक्ति भगवान राम को कौन मिला, जिस जलचर व्यक्ति से भगवान राम ने माता सीता जानकी का पता पूछा। मेरा पूछना है तुमसे, अरे निशाचर से जोड़ा अजब सिलसिला है, स्थान चल चर पता जानकी का। चराचर में घूमे तो गगन चर मिला है, नभ चर से पाया वो पता जानकी का। चर और अचर ना उभे चर के ना है। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, तुम तो पुराने खलीफा हो। हाँ साहब, एक कलाकार दूसरे कलाकार को हिलगाने की कोशिश करता है, खुद गड्ढा में गिर जाता है। हाँ जी मास्टर साहब, अरे सायर तेरो सब कछु लड़ गयो, आई के सायर तेरो, अरे सायर तेरा सब कछु लड़ गयो, अरे हम नाम गुरु का करते हैं,
गुरु का करते हैं। आए तुम जैसे हे अतरौली वाले हो के तुम जैसे रसिया वाले सदा सदा से और मेरे गुरु का पानी भरते हैं। बंसी बारे ते लड़ाई आई दो नैन रंगीली राधा जमुना पे भैया जी ऐसा ऐसा मान लेते कि बात तो याद आ गई है।
अम्मा मेरा दूरी सासुरो हो तो अरे मैया मेरो अरे अम्मा मेरो दूरी सासुरो हो तो परिकारो बल मुनाए हो तो जाके निकरी ऐठ नवाबी में तुम्हारी चाबी में डुंड हाँ लिखो हमारे कोई डुप्लीकेट कापियां थोड़ी है सो घबराएंगे बतावे में बिल्कुल साफ उज्ज्वल सी देखो देख अरे बो मंदो तेरे गई स्वर्ग तक अरे बो मंदो तेरे गई स्वर्ग तक अरे बो मंदो तेरे गई स्वर्ग तक तुम कह रहे हो क्या विभीषण और मंदोदरी दोनों को पता था और स्वर्ग से वो अमृत कलश लेकर के आए और रावण की नाभि में वो अमृत कलश स्थापित करा दिया गया। अब सुनिए मैं पूछ क्या रहा हूं अरे वो मंदोदर गई स्वर्ग तक और स्वर्ग से वो कहां से अमृत लाई वो कहां से अमृत लाई जे संग में लगनटा और संग में कहां ते अमृत लाई तुम्हें कहानी अरे तुम्हें कहानी पतो चली ना रहे हो काल बजाई अरे रहे हो काल बजाई भैया रहे हो काल बजाई एरे पानी पायो है अमृत को खंड अरे आय के बताई है देवर को हो मंदोदरी के देवर लगते थे विभीषण व्यासी महाराज आय के बताई है देवर को अपनी सलाह में लियो अरे नाभि के अंदर पाही ने देख अमृत थाप के दियो अमृत स्थापित कियो भैया अमृत स्थापित कियो बाबू शर्मा ने दंगल में और रसिया लिखोए करारो अरे बाबू शर्मा ने रसिया में अरे रसिया लिखो करारो और अरे रसिया में देख रसिया में आनंद ले रहो वो खींचो आके मारो जाकिन करी ऐठ नवाबी है एक गीत और मेरी तरफ से अब तक का हमारा और इनका हिसाब किताब बराबर हुआ एक गीत और मेरी तरफ से एक फिल्म आई आदमी खिलौना है उसमें एक धुन आई मास्टर साहब रब जो चाहे वही जो होना है आदमी खिलौना है हाँ जी तो होना है आदमी खिलौना है ये फिल्मी दुनिया वालों की बात
और गीत सुनेंगे, बहुत बढ़िया लगेगा आप लोगों को, क्योंकि जब कलम रगड़ती है ना कभी की, तो जाने क्या क्या जहान पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कभी। बात उस समय की लेख बोई है हमारे भारतवर्ष में, जब कर्ण के पास में माता कुंती पांच बाण मांगने के लिए पहुंच जाती हैं, जब पांच बाण मांगने के लिए पहुंच जाती हैं तो कर्ण अपनी माता कुंती से क्या कहने लगा है, क्यों आई हो माता? हे बेटा कर्ण। हाँ भैया, मैंने तेरा बहुत ही नाम सुना है कि तू बहुत बड़ा दानी है, इसमें कोई शक है माते? आज मैं तेरे पास आई हूँ तो पांच बाण मांगने के लिए आई हूँ। तो कर्ण कहने लगा है अपनी माता कुंती से, क्या तू माता मैं पुत्र हूँ, क्या ये तू माता मैं पुत्र हूँ, क्या तू माता मैं पुत्र हूँ, चाचा यही मुझे अफसोस, मुझे अफसोस। हे मैया कुत्ती, अरे मेरे माथे मढ़ा है कोई इस समाज का दोष, अरे मेरे माथे मढ़ा है कोई इस समाज का दोष। तो कर्ण ने कहा इस समाज का दोष क्या मढ़ा चंडी? क्वारी की मैं संतान हूँ चाचा, अरे वो क्वारी की मैं संतान हूँ, इसको भुला सकता नहीं। हे मैया कुंती, के क्वारी की मैं संतान हूँ, इसको भुला सकता नहीं, और मैं बैठ के पंचों में खुद मुख से बता सकता नहीं, अरे बैठ के पंचों में खुद मुख से बता सकता नहीं, रिश्ता है तुमसे खून का रिश्ता, उनको दिखा सकता नहीं। तो पांच बाण मांगने के लिए आई हो मुझसे, हाँ। तो कर्ण कहने लगा है अपनी माता कुंती से, क्या करूं हे मैया, क्या करूं, खून का मात मुझसे नाता है, क्या करूं, खून का मात मुझसे नाता है, मुझसे नाता है, और हे माँ, ओ माता तू मेरी माता है, माता मेरी माता है। जितने भी रसिया सुनने वाले हैं, अगर हृदय में थोड़ा सा मरहम रखते होंगे तो एक भी आदमी यहां तालियां बजाने से शेष नहीं रहेंगे। वाह, कर्ण कहने लगा है कि मैं
मैया कुंती, आज मुझसे मतलब पड़ा है तो तू बेटा बेटा कह रही है, आज मुझसे मतलब पड़ा है तो तू बेटा बेटा कह रही है। उन दिनों को याद करो जिस दिन अपने ही हाथों से एक दिन मुझे तूने ही नदी में बहा दिया। तो करण ने कहा, हे मैया, माता मेरी माता है। कहने लगा है करण, अब भैया तालियां देखना जनता की, देख अब कैसे तू जान गई, अरे अब कैसे तू जान गई के करण मेरो छैया, अब कैसे तू जान गई ओए करण तेरो छैया, अब कैसे तू जान गई करण तेरो छैया। देखिए कविता की ताली, कविता की ताली देखो, अब कैसे तू जान गई ओए करण तेरो छैया। और मैया, और तेरे ही कारण जुदा है गए वो मेरे पांचो भैया, तेरे कारण जुदा है गए मेरे पांचो भैया। अरे अब कैसे तू जान गई और कारण तेरो छैया, और अब तेरे कारण जुदा है गए मेरे पांचो भैया। करण ने कहा कि हे मां,
जो भी मेरे पास में आया है मांगने के लिए मैंने किसी से मना नहीं की। तो करण ने कहा आप मुझसे पांच बाण मांगने के लिए आई हो मगर तुमसे मेरी एक शर्त है। तो करण ने कहा मांग रही सुना अरे मांग रही मां बाणों को मांग करूंगा पूरी। अरे मांग रही जिन बाणों को मांग करूंगा पूरी। अरे मांग करूंगा पूरी मगर अर्जुन से अर्जुन से मत कह देना के यही मेरी मजबूरी। अर्जुन से मत कह देना ये मेरी मजबूरी। अर्जुन से मत कह और मुझे मलाल तो इस बात का हो रहा है आज दुनिया की माँ सदा सदा से देने वाली हुआ करती है मगर आज ये कुंती भी माँ है बेटे के सामने भिखारण बन के खड़ी हुई। अरे अर्जुन से मत कह देना के ये मेरी मजबूरी। अरे माँ भिखारिन कहना पड़ रहा है ये शब्द क्योंकि बेटे के दरबार में माता कुंती भिखारिन बन के खड़ी हुई है। माँ भिखारिन आज बेटा दाता है। माँ भिखारिन बेटा माता है। अब लास्ट बंद बोल रहा हूं उसके बाद में भैया तरौली वालों का नंबर यो मत कह देना। अगर कुआरेपन की कहानी को मैं खोल देती तो मेरी हंसी हो जाती कि दुनिया जीने नहीं देती। ये बात नहीं है ये पहले की बात हो गई। ये पहले की बात हो गई जो यहां का संवाद लड़ता हुआ चल रहा है वही संवाद होना चाहिए कहना। अरे करण मरे चाहे करण मर जाए चाहे अर्जुन मर जाए एक ने एक तो मरना जरूरी है। करण ने कह दिया है चाहे करण मरे फिर भी तेरे पांच लाल और चाहे उधर में से अर्जुन मर जाए तो मुझे मिला करके तेरे पांच ही लाल रहेंगे कहना है। अरे करण मरे या अर्जुन मर जाए तेरे पांच रहेंगे। अरे करण मरे या अर्जुन मर जाए तेरे पांच रहेंगे। कुंती के ही पांच लाल जगवाले यही रहेंगे।